राजधानी दिल्ली के पास बसे नोएडा के ग्राम सोनपुरा में सन 2016 से संचालित संस्था नाम अभयदानम एक ऐसी संस्था है जो मूक प्राणियों एवं असहाय पशु पक्षियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहती है। अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर एवं अन्य सदस्य 24 घंटे दिल्ली NCR से पशु पक्षियों को रेस्क्यू एवं उनका उचित इलाज का जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर स्थित ज्ञान दानम गुरुकुल में नौनिहालों को लौकिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा एवं जैन शिक्षा भी दी जाती है। इसके साथ ही संस्था द्वारा स्थापित औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में लोगों का निःशुल्क उपचार भी किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर संचालित है हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सन 2017 में यहाँ श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना की गई, जिसमें श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा को स्थापित किया गया। लगभग 500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा सिद्ध क्षेत्र अरिहंतगिरी तमिलनाडु से यहाँ लाई गई है। प्रभु की छवि इतनी निराली है कि हर कोई श्रद्धालु उन पर मोहित हो जाता है। ये नोएडा का एकमात्र ऐसा जिनालय है जहाँ प्रतिदिन आर्ष परंपरा के अनुसार प्रभु की शांति धारा अभिषेक किया जाता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण अभिषेक हेतु उसके वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल दूध, नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर भव्य मंदिर के साथ हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन भोजनालय, गुरुकुल इत्यादि निर्माणाधीन है। आप भी ऐसे मनमोहक स्थान पर शांति धारा कर सौभाग्य प्राप्त करें। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमनकर्ता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। श्री शांति भट्टाचार्य पाद पद्म
अशोक गंगवाल सूरत से, मैं रोज जिनवानी चैनल के माध्यम से वहाँ की शांति तीर्थंकर लेनी निमिनाथ भगवान की शांति धारा देखता था। मन करता था कभी वहाँ दर्शन करें जाएं। इस बार हमें अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के दर्शन का भाव बना, तो वहाँ आने के बाद हमने मन मना लिया था कि इस बार तीर्थंकर लेनी के दर्शन करके जाएंगे। यहाँ आकर हमें दर्शन पूजन का अवसर तो मिला ही और शांति धारा का सौभाग्य भी मिला। वास्तव में धन्य हो गए ऐसा लगता है। इतना रमणीय स्थान, गोमती नदी की कलकल बहता पानी और प्रकृति तो समझो यहाँ अपने आप उतरी है, और भगवान की जो मूर्ति है वो अपने आप में इतनी सौम्य खींचने वाली हम लोगों को इस तरह की है। आज दर्शन करके हम सब धन्य हुए। सभी से निवेदन है एक बार तीर्थंकर लेनी में भगवान नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने जरूर आएं और अपने जीवन को धन्य करें। मैं निर्मला गंगवाल सूरत से, एक साल से मन तड़प रहा था जब से जिनवानी में भगवान को देखा था। कब पता नहीं भगवान का दर्शन होगा, कब मेरा बुलावा वहाँ आएगा। आज मेरा वो भाग्य है, मैंने दर्शन किया। दर्शन करके मेरे रोम रोम खड़े हो गए। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी सुंदर जगह। यहाँ के सब कर्मचारी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी सहयोग की यहाँ पे अपेक्षा है। पूरे समाज से निवेदन करती हूँ, इतना खूबसूरत स्थान है, आपके सहयोग से इसमें चार चांद लग जाएंगे। जरूर सहयोग करें और जिनवानी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमनकर्ता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।